लालू यादव को तो बदनाम लोग किया है, अफवाह फैला रहा है, अभी अफवाह लोग फैला रहा है। लालू यादव को तो अफवाह फैलाया गया, उनका बाल बच्चा पर भी अफवाह फैला रहा है। जो अफसर है उनका काम है ना कि झाड़ू पोछा या कर्मचारी का ही काम है फाइल पर लिखना, फाइल पर पैसा बढ़ाना। समझा गलत है, लिपा पोती हो रहा है, पूरा 1500 साल में लिपा पोती हो रहा है। डबल इंजन का सरकार में सारा काम जाली हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ वसीम खान। बिहार की गिरती शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार नेता विरोधी दल विधान परिषद राबड़ी देवी लगातार सवाल उठाती रही हैं, पर ऐसा क्या हो गया कि पत्रकारों से बात करते हुए अचानक राबड़ी देवी को लालू यादव की याद आ गई। सुनिए राबड़ी देवी क्यों याद करने लगी लालू यादव को जब वो सरकार पर निशाना साध रही थी। परमानेंट जो शिक्षा के बहाल करना है, सरकार नहीं किया, क्यों नहीं किया सरकार, काहे नहीं किया? जब ये लोग का मांग नहीं पूरा हो रहा है, ये लोग हड़ताल पर बैठल है, तो हड़ताल पर तो सूचना लेना चाहिए ना शिक्षा मंत्री को, चाहे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इसको तो संज्ञान नहीं दे रहा। बिहार के जो नौजवान हमारा बेटा बेटी है, सबको है, लड़का लड़की है, सबको भविष्य खराब हो रहा है बिहार के। इसमें कौन जिम्मेवार है? सरकार ना जिम्मेवार है, शिक्षा मंत्री जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है, डबल इंजन का सरकार है वही लोग जिम्मेवार है, कौन जिम्मेवार है? बहाली के कौन रोका है? और शिक्षा चले बहाल नहीं होगा चले, पढ़ाई सुधार होगा नहीं होगा? जब हम लोग के समय में, लालू जी के समय में 25,000 शिक्षक बहाल हुआ, फिर 25,000 का बहाल हम लोग किए तो हाईकोर्ट से रोक लग गया, तो वही टीचर पूरा बिहार में पढ़ा रहा है। उसी तरह बहाल करे ना शिक्षक, बहाल करके अब किनको किनारा कि इतना कर दिया, इतना रोजगार दे दिया, क्या दिया इसलिए रोक कर दे रहे हैं। कौन चेक करेगा? वही लोग करेगा, शिक्षक लोग चेक करेगा कॉपी, बैठा दीजिए। 122 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड तोड़ना चाहिए, क्यों सस्पेंड किया गया? तो पढ़ाया मैडम, विधान परिषद में मुख्यमंत्री ने आपका एक मैनिफेस्टो दिखाया था 2008 का, जिसमें आपने उस मैनिफेस्टो में कहा था कि अयोग्य शिक्षकों की बहाली की गई है। उनका कहना था जिस को अयोग शिक्षक बता रहे हैं उनके लिए समान काम समान वेतन की मांग क्यों? चुनाव हुआ नहीं था 2008 का, चुनाव हुआ था नकली है। डबल इंजन का सरकार में सारा काम जाली हो रहा है, और लोगों का जवान बंद करने के लिए, जनता के जवान बनने के लिए, विपक्ष के जवान बंद करने के लिए ये सब काम हो रहा है। पत्रकार हम लोग सवाल नहीं उठा सकते, पत्रकार जनता भी सवाल अपना नहीं उठा सकती है, जनता भी धरना प्रदर्शन करती है, लाठी गोली खाती है, पानी से बरसाया जाता है, ये सरकार कहना है। क्या है आप ही लोग न दिखाते हैं, आप ही लोग करता है, हम लोग सवाल उठाते हैं तो कहता है कि 1500 साल की जाती है। 1500 साल में कितना बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ आप बताइए, केस मुकदमा सब में हम लोग फंसे, फिर भी हम 1500 साल में हम लोग बेजोर काम किया, वही नजर आ जा रहा है पूरे बिहार में काम। समझा है लालू यादव के राज्य में, लालू यादव को तो बदनाम लोग किया है, अफवाह फैला रहा है, अभी अफवाह लोग फैला रहा है। लालू यादव को तो अफवाह फैलाया गया, उनका बाल बच्चा पर भी अफवाह फैला रहा है। ये लोग का यही काम है और कोई काम नहीं है, यही बिजनेस काम है ये लोग का, लूट खचोट अपना, जितना इतना घोटाला हुआ, 55 घोटाला हुआ है, कोई जांच हुआ है, कोई पकड़ा है? इतना नीचे वाला आदमी, नीचे वाला के झाड़ू पोछा करने वाला कर्मचारी के कलर के ये लोग का पकड़ा जा रहा है, बड़े बड़े अफसर क्यों छूट रहे हैं, मंत्री क्यों छूट रहा है हर विभाग से? इस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, मंत्री का काम है, जो अफसर है उनका काम है ना कि झाड़ू पोछा या कर्मचारी का ही काम है फाइल पर लिखना, फाइल पर पैसा बढ़ाना। तो आपने सुना राबड़ी देवी लगातार जो है वो गिरती शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधती दिख जाती है, और आज भी सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साध रही थी, जिस तरीके से लगातार जो है वो टीचर जो है हड़ताल पर है। नियोजित शिक्षकों की बात करें, अतिथि शिक्षक की बात करें, या कंप्यूटर शिक्षक की बात करें, लगातार हड़ताल पर है, उसको लेकर राबड़ी देवी सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साध रही थी। उनका कहना था कि लालू यादव के समय में शिक्षकों की ज्वाइनिंग कराई गई थी, उसके बाद से अब तक लगातार वही शिक्षक जो हैं वो कार्य कर रहे हैं, और उनकी मांगे जो हैं वो सरकार नहीं सुन रही, सरकार को भी शिक्षकों की बहाली करनी चाहिए।
तो जाकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी। लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।